లోక్ సభ సమావేశాల ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం. वो कानून में सही कैसे हो सकता, इसका जवाब क्यों नहीं देने चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, I am not yielding. बैठे बैठे नहीं, सुष्मिता बैठ जाइए मैडम. नथिंग, बैठिए मैडम. यस, अब आप सुष्मिता जी, नारीमान और जस्टिस सुष्मिता, बहुत अच्छा भाषण दिया था, मगर आप बैठे बैठे टोको मत बेटा. बहुत अच्छा बोली थी, मैं ये नहीं कह रही मैडम. जस्टिस आर एस नानीमन और जस्टिस का ट्रिपल तलाक इज मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी इन द सेंस दैट द मार्शियल टाई कैन बी ब्रोकन कैप्रिशियसली एंड विम्सिकली विदाउट एनी अटेम्प्ट एट रिकंसिलिएशन. सो सेव इट. दिस फॉर्म ऑफ तलाक मस्ट देयरफॉर बी हेल्ड टू बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14. एक माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि व्हाट इज बैड इन थियोलॉजी, सिन इन थियोलॉजी कैनॉट बी वैलिड इन लॉ. और दो ने कहा कि इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14. अब मैं अपनी बहुत साधारण बुद्धि से अपने से एक सवाल पूछना चाहता हूं. माननीय तीन न्यायमूर्तियों का निर्णय यह कहता है कि नहीं कि ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है. बार बार बात कही जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है. उसके बाद तो उस समय खेर साहब थे चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने कहा कि इसके लिए कानून बनना चाहिए. और तब उन्होंने एक बात कही जो किसी ने मुझे पढ़ा था, वी वुड देयरफॉर इंप्लोर द लेजिस्लेचर टू बेस्टो इट्स थॉटफुल कंसिडरेशन टू दिस इश्यू ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस. और उसके बाद में कहा, वो मैं पढ़ना चाह रहा हूं, वी वुड ऑल्सो बिसीच डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज टू कीप देयर इंडिविजुअल पोलिटिकल गेम्स अपार्ट वाइल कंसिडरिंग नेसेसरी मेजर्स रिक्वायरिंग लेजिस्लेशन. अपने आपसी सियासी डिफरेंसेस को अलग रखिए. ये निर्णय आ गया अध्यक्ष महोदय. अब मैं अपने से एक सवाल पूछ रहा हूं जो सदन के सामने रख रहा हूं. तीन तलाक चल रहा है, हमने 10 दिसंबर तक का डिटेल लिया है, उसके बाद भी चल रहा है. जनवरी 2017 से 10 दिसंबर 2018 477 ट्रिपल तलाक हुए. अब मैं उस नंबर में नहीं जाऊंगा कितने जजमेंट के बाद हुए, कितने लॉ के बाद हुए, कितने भागे हुए. वो पुलिस स्टेशन जाया करती थी, पुलिस वाले कहते थे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, हमको कोई पावर नहीं है, कोई कानून नहीं है. तो हम क्या कहें ऐसी महिलाओं को? क्या ऐसी महिलाओं को देश का कानून मंत्री यही कहे कि तुम ये जजमेंट को अपने घर में फ्रेम करके टांग लो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह गलत है, असंवैधानिक है, पाप है, फिर भी तीन तलाक हो रहा है तो क्या किया जाए? तब यह कानून बनाने की नौबत आई कि हमें उनके लिए रास्ता देना पड़ेगा. और देखिए हमारा मन कितना खुला हुआ है. बहुत सही कहा, दिसंबर 17 में पारित हुआ था, हाउस ने पारित किया था. और एक बात मैं रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं, उस समय पूरी कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया था, कोई इसको ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की बात नहीं कही थी. राजनाथ जी बैठे हैं, सुषमा जी बैठे हैं, उस समय कभी नहीं कही थी. अब उनका है अपना इरादा, अपने स्टैंड को बदलते रहते हैं. लेकिन हमारा कितना खुला दिमाग है अध्यक्ष महोदय, आप ये देखिए कि हमें लगा कि एक आपत्ति में दम है कि कोई पड़ोसी एफआईआर नहीं फाइल कर दे, कोई दुश्मन नहीं फाइल कर दे, तो हमने इसको बिल्कुल सीमित किया. विक्टिम महिला ही फाइल कर सकती है, नंबर वन, या उसके ब्लड रिलेशन या उसके मैरिज से रिलेशन, ये कर दिया. फिर कुछ लोगों ने कहा समझौता भी तो हो सकता है, समझौते का हमने एक रास्ता दिखाया है. अब बहस हो रही है सब्सिस्टेंस अलाउंस कहां से तय होगा. अध्यक्ष महोदया आपका बहुत ही व्यापक अनुभव है, हमने कहा मैजिस्ट्रेट विल डिसाइड. आप देख लीजिए 125 का जो कानून है उसमें भी है, सीआरपीसी में मैजिस्ट्रेट विल डिसाइड. ये जो इसका कानून है मुस्लिम पर्सनल लॉ का, ये भी है मैजिस्ट्रेट विल डिसाइड. ये हमने क्यों कहा है मैजिस्ट्रेट विल डिसाइड? क्योंकि मैजिस्ट्रेट को हमने पावर दिया है कि केस के गुण दोषों का विश्लेषण करके पति की आय क्षमता देखकर आप तय करें कि कितना आप देंगे. अगर कोई छोटा पति की छोटी कमाई है तो सब्सिडी छोटा होगा, कोई बड़े व्यापार करने वाले हैं उनको बड़ा देना पड़ेगा. तो ये सारा हमने मैजिस्ट्रेट के विवेक पर छोड़ा है जो पूरा निर्णय मामले को सुनकर करेगा. फिर कहा गया कि इसमें बेल का प्रावधान नहीं था, तो ये जो प्रावधान है 3 साल की सजा दी है तो आपको पुलिस स्टेशन से बेल नहीं मिलेगा, मजिस्ट्रेट आपको बेल देगा.
लेकिन हमने खवातीनों को ये इज्जत दी है, आपकी सुनवाई के बाद ही बेल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पीड़ित महिला अपनी पीड़ा को कोर्ट के सामने बताएगी, इसलिए जरूरी है, इसलिए जरूरी है। और ये हमने बहुत सोच समझ के ये बात कही है कि अगर हमें खवातीनों को, उस पीड़ित महिला को इज्जत देनी है तो बेल में उसकी सुनवाई करें। और माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत व्यापक अनुभव है, हमें पूरा विश्वास है कि बहुत सारे मामले पहले ही पेशी में सुलझ जाएंगे। मजिस्ट्रेट पूछेगा पति से, तूने 3 तलाक दिया नहीं दिया, पत्नी को इज्जत से वापस ले जाओ, घर पे रखो, टर्म्स रिकॉर्ड करेगा, इसको मेंटेन करो, और अगर तूने दिया तो जेल जाओ, ट्रायल फेस करो। अब लोग कह रहे हैं 3 साल, 3 साल ट्रायल के बाद होगा, 3 साल सजा है, बेल 10 रुपये भी मिल सकता है, 15 भी मिल सकता है। तो ये जो बार बार 3 साल 3 साल किया जा रहा है, वो ट्रायल के बाद आप कनेक्ट होंगे तब आपको दिया जाएगा। अध्यक्ष जी, आज मैं एक बड़ा सवाल इस सदन के सामने उठाना चाहता हूं। भारत तो एक सेक्युलर कंट्री है ना, इसको हम लोग, आई एम नॉट यील्डिंग, जस्ट अ मिनट, अच्छा मैं आता हूं। अध्यक्ष महोदया, भट्टरी जी बहुत ही अनुभवी सांसद हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। एक मिनट, इसको कहते हैं, वेणुगोपाल जी कहीं बैठ के बात करो, इसको मैं कहता हूं, अध्यक्ष जी बैठ के बात करो कहीं तो, इसको मैं कहता हूं अननेसेसरी लीगलीज। अगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, जिन्होंने कहा 3 तलाक दिया है, मजिस्ट्रेट उनसे पूछेगा तुमने 3 तलाक दिया है नहीं दिया है, द मैटर एंड्स, ऑफिस ले जाओ, रिकॉर्ड कर देगा, अगर दिया है तो सफर करो। तो इसमें ओनस की बात जो आएगी, पत्नी को बताना पड़ेगा मेरी शादी इस समय हुई थी, इस समय हुई थी, कोई कठिन काम नहीं है। लेकिन ये सारे सवाल कानूनी इस बिल के समय क्यों उठाए जा रहे हैं, जो एक प्रकार से खवातीनों को इंसानियत और इंसाफ के लिए किया गया है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अध्यक्ष मैं एक बात कह रहा था आपसे, और सदन के सामने इसको उठाना बहुत जरूरी है। ये मुल्क सेक्युलर है, हम मानते हैं, सेक्युलरिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर भी है। अब ये बताइए कि दुनिया के 22 से अधिक इस्लामिक, प्लीज प्लीज ज्योतिरादित्य जी बैठो ना, पीछे बैठो मैडम, चेयर को पीठ नहीं दिखाते। 22 इस्लामिक मुल्कों में इसको क्वालिफाई किया गया है, पाकिस्तान में भी किया गया है, बांग्लादेश में भी किया गया है। प्लीज प्लीज शांति। और मैडम ये क्वालिफिकेशन क्या है? कोई 3 तलाक हड़बड़ी में नहीं दिया जाएगा, एंगर में नहीं दिया जाएगा, आपका मेंटल कंडीशन नहीं ठीक है तो नहीं दिया जाएगा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ऑर्डिनेंस ऑफ 1961 है, उसमें प्रावधान है, अगर आपने दिया तो आपको नोटिस करनी पड़ेगी काउंसिल को, और काउंसिल को आकर बताना पड़ेगा। तो क्या लीबिया, क्या ईरान, क्या इराक, क्या कुवैत, क्या मोरक्को, क्या ट्यूनिशिया? और सुप्रीम कोर्ट में मैडम, माननीय न्यायमूर्तियों ने पूरे लॉज ऑफ अरब स्टेट्स करके ही इस पूरे कानून का विवरण किया है कि एक एक इस्लामिक स्टेट में क्या हो रहा है। तो इस्लामिक स्टेट में 3 तलाक को नियंत्रित किया जा सकता है, इस्लामिक स्टेट में 3 तलाक को कई मामलों में अपराध भी किया जा सकता है, लेकिन हिंदुस्तान ऐसे सेक्युलर मुल्क में नहीं हो सकता है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। ये कौन सा तर्क है, ये क्यों होना चाहिए? अध्यक्ष जी, एक और बात मुझे मालूम हुई, मैंने अखबार में देखा है, ये खबर देखकर बड़ा आश्चर्य लगा कि भारत को देखकर पाकिस्तान में भी इसको अपराध बनाने की योजना चल रही है। वहां की इस्लामिक लीगल काउंसिल ने इसको रेकमेंड किया है कि 3 तलाक मस्ट बी मेड पनिशेबल ऑल्सो इन द लॉज ऑफ पाकिस्तान। तो आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, और ये खबर मैंने देखी एक जगह न्यूज में, 3 तलाक के मामले में भारत से सीख दे रहा है पाकिस्तान। तो आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, और इसे मैं बड़ी विनम्रता से गुजारिश करना चाहूंगा, इसके अंदर कोई सियासत नहीं है। हाँ, जहां तक महिलाओं के सम्मान की बात है, नरेंद्र मोदी सरकार पर हमें गर्व है, सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, याद करिए मैडम, आप भी वहां पर कार्यक्रम में थी 26 जनवरी को, जो हमारे बीएसएफ की महिला के जंबाज लोग स्टंट करते थे,
इस बार बीएसएफ की महिला विंग ने मोटरसाइकिल पर स्टंट किया, आपने देखा होगा। एयरफोर्स में हमारी प्लेने वो महिलाएं फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, और हमें गर्व है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में विदेश मंत्री देश की एक सक्षम नेत्री सुषमा स्वराज है, रक्षा मंत्री निर्मला जी हैं, मनेका जी हैं यहाँ पर, स्मृति ईरानी है, हरसिमरत कौर है, हमारी तीन राज्य मंत्री यहाँ बैठी हुई हैं। और मैडम, मैं आपसे अनुमति लेकर एक बात कहना चाहता हूँ, आप बहुत ही सक्षम स्पीकर हैं, लेकिन इस बड़े पद पर यहाँ लाने में भी हमें बहुत गर्व हुआ है आप यहाँ बैठी हैं। हम ये महिला की ताकत को पहचानते और पहचानते रहेंगे। हमारे लिए महिलाओं का सशक्तिकरण कोई वोट बैंक का तराजू नहीं है, हम मानते हैं कि महिलाओं का आगे बढ़ना इस मुल्क के लिए जरूरी है, इसीलिए यहाँ पर आई है बात। कुछ लोगों ने और बातें कही जिसको मैं कुछ पॉइंट वाइज समाप्त करना चाहूँगा। मैंने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में नहीं है, ये संसद संप्रभु है, दिस हाउस इज सॉवरेन, और अगर ये हाउस महिलाओं के अपराध के संबंध में कार्रवाई करती है तो ये हाउस अपनी ऊंचाई पर जाती है। और आज मैं इस हाउस के उसी इतिहास और विरासत का देना चाहता हूं हवाला, इस मामले में भी ये हाउस ऊपर जाए। अब कुछ लोगों ने पॉलिटिकल बात कही है माननीय अध्यक्ष महोदया, अब पॉलिटिकल बात का तो मैं जवाब नहीं देना चाहूंगा। हाँ, एक बात जरूर है, अगर कहीं भी अपराध होता है कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी सरकार काम कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री ने सख्ती से उसके बारे में मजम्मत की है, आगे भी करेंगे। माननीय गृहमंत्री जी बैठे हुए हैं, उन्होंने इस बात पर बहुत सख्ती से बात कही है, सुषमा जी ने दुनिया के फोरम पर इस बात को उठाया है कि हमारी सरकार इस मामले में गंभीर कार्रवाई कर रही है, हम लोग करते हैं। तो इसलिए जब तक वो नहीं हो तब तक ये नहीं करो, ये सवाल है, मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने सारे सवालों का निराकरण किया है और मैं शांति से सुन रहा था कि कोई मुझे कंक्रीट कोई सुझाव दे, तो आज भी हमारा मन खुला हुआ था, एक ही सुझाव था, इसको अपराध क्यों बना रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं था। बाकी कुछ लोगों ने कहा है 4, 5, 6 में कॉन्ट्रडिक्शन है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, 3 तलाक इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, डिक्लेयर हो गया, फिर भी कुछ लोग 3 तलाक देने पर अड़े हुए हैं और महिलाओं से बदसलूकी कर रहे हैं, तो क्या यह सदन खामोश रहे? ये बड़े सवाल है। और सदन ये कानून लेकर आई है तो सदन ये कानून लेकर के आई है तो इसलिए कि उनको सम्मान मिले, इंसाफ मिले, और इसीलिए हमने कानून बनाया है। और आप जान लें, डिटरेंस इज ऑलवेज ए ग्रेट इंपैक्ट इन कंटेनिंग दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, चाहे हमने उसको बलात्कार लें या महिलाओं का डोमेस्टिक वायलेंस लें या दहेज प्रथा लें या आपके 498A लें, इसलिए इस पूरे मामलों में डिटरेंस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू कंटेन द क्राइम और इलीगल एक्टिविटी। तो इसीलिए ये पूरा मामला स्नेह का भी है, प्रेम का भी है, इसमें कंपाउंडिंग भी है, इसमें समझौते भी हैं, और इसमें कानून का डिटरेंस भी है, करोगे तो जेल जाओगे, नहीं मानोगे तो सजा पाओगे, ये इस पूरे कानून का प्रावधान है। तो मैं आपके माध्यम से सदन से बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा कि इसको सर्वानुमति से पास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद्रन जी, थैंक यू वेरी मच मैडम स्पीकर। मैडम स्पीकर, द गवर्नमेंट, द ऑनरेबल मिनिस्टर हैज नॉट स्पेयर्ड अ सिंगल सेकंड ऑफ टाइम आउट ऑफ हिज रिप्लाई स्पीच to substantiate the case of issuance of an ordinance. What is the urgency of promulgating that ordinance? Madam, ordinance hame kyun laaye? I am grateful to you, my friend. Ordinance hum isliye aaye, madam, ki Raj Sabha mein bill pending hai, bahut kuch rajneetik dabav pe dabav bhi hai, chalenge wahan, aur isliye purana bill wahan withdraw bhi karenge. Hame ye bataiye, agar bill pass nahi ho raha hai, जिसके पास करने में बहुत कुछ राजनीतिक विरोध भी है, तो क्या हम महिलाओं को तंग होने दें, ट्रिपल तलाक होने दें? ऑर्डिनेंस का रास्ता इसी के लिए है, टू एड्रेस एन अर्जेंट इशू, और इसीलिए हमने उस इमरजेंट अर्जेंट इशू के लिए इस ऑर्डिनेंस को लाया है, ताकि उनको न्याय मिले और उनको, और आपकी जानकारी में खुशी होगी कि ऑर्डिनेंस होने के बाद से कुछ संख्या कम हो रही है, चल रहा है, अब लोग बेल ले रहे हैं, इसलिए डिटरेंट काम कर रहा है और ये करना चाहिए। थैंक यू मैडम स्पीकर। इवन इन द रिप्लाई, ऑनरेबल मिनिस्टर इज रिटरेटिंग द स्टैंड दैट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ही इज रिलाइंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। वंस अगेन मैडम, आई वुड लाइक टू स्टेट दैट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अकॉर्डिंग टू द माइनॉरिटी जजमेंट,
The judgment is 3:2. Madam, you may be remembering there is a judgment of Sabarimala Supreme Court verdict is also there. There the judgment is 4:1 judgment. The Indu Malhotra's, Justice Indu Malhotra's dissent judgment is there. See, I would like to know from the government whether the government will take or take into consideration of the view, or the dissent view taken by Justice Indu Malhotra, so that the Sabarimala faith and rituals can be protected, whether the government will be going to issue an ordinance or making a law on that subject. Because as far as the triple talaq is concerned, when a matter concerning the personal law of the Muslim community in India, government is very vehement that immediately, even though the majority judges are not of the view of having a legislation before the parliament, only five member judge, out of which one judge has spoken about coming before the parliament, that too on behalf of the affidavit filed by All India Muslim Personal Law Board, and by which the government is coming within a harsh manner, within a hurry, that this should be made as a law. And kindly see, 22nd August 2017, the judgment has come. And 28th December 2018, the same day the bill was introduced, the bill was taken for consideration, and the bill was taken for passing. And the minister, you may kindly see, on that day itself, I have moved an amendment to the motion. That motion was, the bill should be referred to the parliamentary standing committee. Yes. The honorable minister was, madam, the honorable minister, unfortunately, whether knowingly or unknowingly, is what the statement made before this house is misleading. Because it is on the record. On that day, at the time of passing, at the time of consideration, I have given due notice changing to amend the motion so that this bill may be referred to the parliamentary standing committee. That is on record. The honorable minister today is saying that none of the opposition parties on that day has requested or demanded for referring the matter to the joint parliamentary standing committee. Yes. Madam, please, one minute. Yes, I do admit this is bad. See, madam, there is no dispute as far as the triple talaq. Yes. Even the Islamic culture, rituals and the faith itself, there is a due procedure, long procedure, so many things are required so as to validate a talaq. But my point is, madam, it is bad in law, but the new penal provision incorporated in the ordinance as well as the bill is bad in law. That is the position which we have taken. The penal provision incorporated in the ordinance and the bill is bad legislation. That is why I have moved an amendment, I have given a notice of amendment. Yes. That this penal